गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका जो लेक्चर है, पिछले क्लासेस में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, एसिड का डिफरेंट रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, बेसिस का भी डिफरेंट रिएक्शन पढ़े थे मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, और एसिड और बेस का दोनों का प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, अच्छा तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एसिड और बेस दोनों अगर आपस में रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अगर एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होता है। देखो, एसिड और बेस दोनों को अगर हम लोग आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट और वाटर। क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट और वाटर। मतलब मान लो कि एक बेस है और इसके साथ तुम एसिड रिएक्ट करवाए हो, कोई भी बेस कोई भी एसिड। ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट और पानी। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर तुम कोई भी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, तो क्या होता है, एसिड क्या करेगा, बेस का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेस क्या करेगा, एसिड का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है आपस में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब घटा देगा। ठीक है, और प्रोडक्शन होगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, और ये जो एसिड और बेस का रिएक्शन है ना, इसका एक नाम भी है, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड और बेस जब भी तुम रिएक्ट करवाओगे, एसिड क्या करेगा, बेस का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और बेस भी इन टर्म्स ऑफ एसिड का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा देखो, और एक बात याद रखना, क्योंकि अगर एसिड हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अगर एसिड है, कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो उसके अंदर क्या रहेगा, H+ आयन रहेगा या तो H3O+ आयन रहेगा, दोनों में से एक। ठीक है, H+ आयन मोस्टली रहता है, मतलब हाइड्रोजन आयन रहता है। ठीक है, H3O+ का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये H+ आयन अगर H2O के साथ रिएक्शन करता है तब जाके ये H3O+ फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, मतलब H+ अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद ये H+ आयन H3O+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस एसिड है तो वो हमेशा H+ आयन या H3O+ आयन रिलीज करेगा, उसी को हम लोग एसिड बोलेंगे। मतलब एसिड में हमेशा H+ रहेगा, आयन रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से बेस अगर है तो उसमें हमेशा OH- आयन रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब एसिड है तो H+ आयन रहेगा, बेस है तो OH- आयन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग लिख दिया कि बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका कैसे हम लोग दिखाएंगे, देखो HX मतलब ये एक एसिड है। ठीक है, प्लस MOH ये एक बेस है। हम अभी भी क्या बोले, अगर एसिड है तो उसमें H+ आयन रहेगा, देखो उसमें H+ आयन है। बेस है तो उसमें OH- आयन रहेगा, देखो बेस मतलब इसमें OH- आयन है, मतलब ये वाला एसिड है। ठीक है, ये वाला बेस है। एम क्या है, एम एक मेटल है। ठीक है, और यहाँ पे X क्या है, X भी एक मेटल है, और H क्या है, आयन है, और यहाँ पे भी OH- आयन तुम्हारा आयन है। तो ये अगर रिएक्शन करता है आपस में, एक एसिड और बेस अगर रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये जो X और M है ना, ये निकल जाएगा, X और M जो है वो बाहर निकल जाएगा। मतलब रहेगा क्या, MX ये अलग हो जाएगा, प्लस ये जो H और OH है, ये H और OH मिल के H2 हो जाएगा। क्योंकि H2 में हम लोग को पता है एक H+ आयन होता है, एक OH- आयन होता है, तो यहाँ पे भी देखो H+ आयन है, यहाँ पे OH- आयन है, जो आपस में H2O हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, मतलब इसको अगर इस तरीके से हम दिखाएं कि H+ और OH- की, क्योंकि यहाँ से इस एसिड से H+ मिल जाएगा और इस बेस से OH- आयन मिल जाएगा, तो H+ और OH- आपस में जुड़ेगा। H+ क्या है, एक्वास है, OH- भी एक्वास है, आपस में जुड़ के ये भी H2O फॉर्मेशन करेगा, जो कि लिक्विड है। समझ में आ रहा है बात, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, इसको रिएक्शन का मेकानिज्म बोला जाता है कि रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं देखो एक बेस ले लो तुम, मान लो हम बेस लिए NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, क्योंकि NaOH का अगर तुम तोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा और OH माइनस आयन मिलेगा। इसको अगर तुम तोड़ोगे तो Na प्लस OH माइनस आयन मिलेगा, कुल मिला के NaOH हो जाएगा। तो OH माइनस आयन है मतलब ये बेस है, और सोडियम तो मेटल है, ठीक है। अच्छा, तो ये बेस हो गया, ठीक है। अब एक एसिड लो, एसिड क्या लोगे, मान लो HCl लिया, तो HCl अगर तोड़ोगे तो HCl में क्या मिलेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन मिलेगा। मतलब ये यहाँ HCl से तुम्हें H प्लस मिल रहा है, मतलब ये भी एसिड है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्या होगा देखो, अब ये जो OH है और ये जो AH है, ये OH और ये वाला OH और H, ये क्या हो जाएगा, ये मिलके H2 हो जाएगा, रहेगा क्या NaCl, मतलब NaCl क्या हो जाएगा, सॉल्ट, और H और OH मिलके H2O, मतलब पानी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, और ये तो पानी है, मतलब बेस और ये एसिड, ये रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस हुआ, एक सॉल्ट और एक वाटर। अब सॉल्ट कैसा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करते तुम कौन सा वाला एसिड लिए हो, कौन सा वाला बेस लिए हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट H2O तो होगा ही, क्योंकि अगर एसिड लोगे तो उसमें H रहेगा ही, बेस लोगे तो उसमें OH रहेगा, तो H और OH मिलकर पानी हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है सॉल्ट का जो फॉर्मूला होगा वो डिपेंड कर रहा है तुम कौन सा बेस ले रहे हो, कौन सा एसिड ले रहे हो। मान लो कि NaOH की जगह हम दूसरा वाला बेस लेंगे, मान लो KOH ले लिए, ये बेस ले लेंगे, और ये एसिड जैसा था ये HCl ही रहेगा। तब क्या होगा देखो, देखो ये OH और ये H, ये मिलके H2 हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, KCl हो जाएगा, KCl और ये पानी हो जाएगा, ठीक है। तो KCl क्या फॉर्मूला, KCl का नाम क्या है, पोटाशियम क्लोराइड, तो ये भी एक सॉल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड, समझ में आ रहा है। देखो हम बेस चेंज कर दिए तो देखो तुम्हारा जो सॉल्ट है वो भी चेंज हो गया। तो ये डिपेंड करता है, अगर एसिड चेंज कर दोगे फिर भी चेंज हो जाएगा। मान लो हम बेस को सेम रख दिए, KOH HCl का जगह हम ले लिए H2SO4, ये वाला एसिड ले लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, ठीक है, फिर भी सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H2 है, ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन ले लेंगे, क्योंकि पिछले हर एक केसेस में तुम देखो एक ठोकर का हाइड्रोजन था, अभी देखो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो मुझे तो चाहिए सिर्फ एक हाइड्रोजन ना, तो एक हाइड्रोजन और एक OH मिलके H2 हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अच्छा, ये K है, ये SO4 है, तो ये दोनों मिल जाएगा, मतलब क्या होगा, 2K SO4, K2SO4 हो जाएगा, ठीक है, K2SO4, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे OH है और यहाँ पे दो ठो हाइड्रोजन है, तो मुझे तो दो ठो हाइड्रोजन लगेगा नहीं, मुझे तो एक ठो हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक OH मिलके H2 हो जाएगा, हो गया H2O, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे K है, यहाँ पे SO4 है, मतलब क्या, K2SO4 होगा, ठीक है। अब तुम सवाल करोगे, सर KSO4 क्यों नहीं हुआ, ठीक है, KSO4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि KSO4 का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होता, पोटाशियम का अलग वैलेंसी है, सल्फेट का वैलेंसी अलग है, ठीक है, तो दोनों को तो सेटिस्फाई करना है ना, इसलिए KSO4 कभी फॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा K2SO4 होता है, सवाल ये इसीलिए होता है, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब इसको तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे दो K है, तो यहाँ पे हम लोग दो डाल देंगे तो 2K हो जाएगा, यहाँ पे भी दो पोटेशियम, यहाँ पे भी दो पोटेशियम, समझ में आ रहा, अभी तुम्हें बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है और दो, चार हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो यहाँ भी तुम दो लगा दो, देखो चार हाइड्रोजन हो गया, समझ में आया। अच्छा, ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे कितना है, चार ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ठो ऑक्सीजन, छः ठो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, चार ठो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ठो ऑक्सीजन, मतलब छः ठो ऑक्सीजन है, मतलब ऑलरेडी बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये सबको हम लोग बैलेंस करने के लिए ये सब कुछ किए हम, यहाँ पे बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं था इसलिए नहीं किए, समझ में आ रहा है बात। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम एसिड चेंज कर दोगे, बेस चेंज कर दोगे, तो उस हिसाब से सॉल्ट भी चेंज हो जाएगा। पानी का तो फॉर्मूला सेम है H2O, पानी का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, सॉल्ट का फॉर्मूला बदल जाएगा, समझ में आया बात। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड्स और बेसिस। एसिड और बेस को अगर डाइल्यूट किया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है। देखो डाइल्यूट करना मतलब क्या, डाइल्यूट करना मतलब तुम पानी में एसिड और बेस मिक्स किए हो, ठीक है, एक कंटेनर में पानी लिए हो, उसमें एसिड या बेस डाले हो, ठीक है। अगर एसिड डाले होगे तो वो एसिड का डाइल्यूशन होगा, और अगर पानी डाले हो और अगर बेस डाले होगे तो वो बेस का डाइल्यूशन होगा। मेन बात है, अगर तुम कोई भी एसिड और कोई भी बेस को पानी के साथ मिक्स करते हो तो उसी को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ,
डाइल्यूशन का, कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर, पानी के साथ अगर तुम एसिड या बेस कुछ भी मिक्स किए हो उसी को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या है? डाइल्यूशन का इफेक्ट है, अगर डाइल्यूट किया जाओ, अगर तुम डाइल्यूट करोगे मतलब एसिड को डाइल्यूट करोगे या बेस को डाइल्यूट करोगे, मतलब पानी में एसिड मिलाओगे या पानी में बेस मिलाओगे, कुछ भी करो डाइल्यूट अगर करोगे एसिड और बेस को, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो इफेक्ट घट जाता है, मतलब कंसेंट्रेशन घट जाता है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर तुम एसिड डाइल्यूट करोगे तो एसिड में मोस्टली क्या रहता है, एच प्लस रहता है या तो एच थ्री ओ प्लस रहता है, ठीक है। तो इसका जो कंसेंट्रेशन है ना, ये कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा अगर डाइल्यूट करोगे तो, ठीक है। तो ये एसिड के लिए है, समझ में आया बात। अच्छा, बेस के लिए क्या होता है? बेस में रहता है ओ एच माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेस को अगर तुम डाइल्यूट करोगे तो बेस का ये जो ओ एच माइनस आयन का जो कंसेंट्रेशन है, ये ओ एच माइनस आयन का कंसेंट्रेशन घट जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब मुद्दा बात यह है, अगर डाइल्यूट किया जाए एसिड और बेस को, दोनों का कंसेंट्रेशन घट जाता है। एसिड होगा तो इसका घटेगा, बेस होगा तो इसका घटेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यह है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड और बेसिस। मतलब क्या, अगर कोई एसिड स्ट्रांग एसिड है मान लो, तो वीक एसिड हो जाएगा वो पानी में डालोगे तो, क्योंकि पानी में डालोगे तो डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा तो मतलब क्या होगा, एसिड का जो एच प्लस एन कंसेंट्रेशन है वो घट जाएगा, वो घट जाएगा मतलब क्या, वो स्ट्रांग एसिड और रहेगा नहीं, वो वीक हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बेस का भी वही है, बेस का भी कंसेंट्रेशन घट जाएगा तो वो वीक बेस हो जाएगा, स्ट्रांग बेस से वीक बेस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। देखो, मान लो तुम एक एसिड है लिए हो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पानी में डाल दिए, मतलब पानी में मिक्स कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, HCl में, HCl से क्या होता है, देखो एच प्लस आयन प्लस सी एल माइनस आयन होता है, होता है ना, इसीलिए तो एसिड है क्योंकि एच प्लस रिलीज करता है। ये एच प्लस किस साथ रिएक्शन करेगा, एच टू के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, करके क्या हो जाएगा, एच थ्री ओ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच प्लस एच टू से जुड़ जाएगा करके एच थ्री ओ प्लस हो जाएगा, और ये सी एल माइनस रह गया तो ये सी एल माइनस ऐसे बाहर रहेगा, समझ में आ रहा है। मतलब क्या हुआ, कोई भी एसिड को या कोई भी बेस को अगर तुम पानी के साथ मिक्स करोगे, ठीक है, तो एसिड का जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब जिस चीज से एसिड बना हुआ है ना, वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा पानी में। जब भी तुम एसिड को डालोगे, एसिड में एसिड जो जो आयन से फॉर्मेशन हुआ है, जिस जिस आयन से एसिड फॉर्मेशन हुआ है, वो आयन सेपरेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। बेस के लिए भी सेम है, बेस भी सेम होगा, बेस का भी हम एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम लोग का बुक में दिया नहीं है, तुम लोग का बुक में क्या, ये डायरेक्ट ये दिया हुआ है, लेकिन ये कहाँ से आया है, ये मैंने तुमको दिखाया है यहाँ पे अभी अभी, लेकिन जब तुम एग्जाम में लिखोगे तब ये सब नहीं लिखोगे, समझ में आ रहा है, ये डिटेल्स में हम तुमको दिखा दिए। अच्छा, अब ये आते हैं बेस के ऊपर। एक बेस ले लो, मान लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में तुम डाल दिए, तो ये क्या होगा, ये भी सेम NaOH, मतलब क्या, इसमें Na प्लस है और OH माइनस है, इस ओ एच माइनस आयन के वजह से ही एन ए एच बेस कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो एन ए प्लस ओ एच माइनस तुम किए, ये ओ एच माइनस आयन क्या होगा और एन ए प्लस क्या होगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे हम लोग क्या बोले, एच सी एल में एच प्लस सी एल माइनस एच प्लस एच टू के साथ रिएक्शन कर गया, ये मैकेनिज्म इस बेस में नहीं होगा, बेस में ये एप्लीकेबल नहीं है। बेस में क्या होगा, जब भी अगर तुम पानी में ये बेस डालोगे तो एन ए ओ एच क्या, एन ए प्लस ओ एच माइनस आयन में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। ये भी एक्वास है, ये भी एक्वास है, ठीक है, समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा एसिड का मैकेनिज्म और बेस का मैकेनिज्म। एसिड अगर रहेगा तो एच प्लस फिर एच टू के साथ रिएक्शन करेगा, बेस अगर होगा तो ये यहाँ पे कोई कुछ भी एच टू के साथ रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ ये जो बेस है ये बेस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा पानी डालोगे तो, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजोल्विंग बोलते हैं, मतलब एक एसिड और बेस को तुम डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है, मतलब पानी में मिक्स कर रहे हो, मतलब क्या, एसिड और बेस को पानी में मिक्स कर रहे हो, मतलब तुम एसिड और बेस को डिजोल्व कर रहे हो पानी में, ठीक है। और ये जो डिजोल्विंग है ना, ये डिजोल्विंग हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, हीट जनरेट करना, मतलब कभी भी कोई भी एसिड और बेस को अगर तुम पानी में डालोगे तो बहुत हीट जनरेट होता है, मतलब हीट निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बहुत ही एकदम प्रिकॉशन लेके अच्छे तरीके से इसको करना है, क्योंकि बहुत सारा हीट निकलेगा, ठीक है, तो प्रिकॉशन मस्ट है। देखो, बुक में तुम लोग का लिखा हुआ है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कंटेन स्टरिंग, वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसेंट्रेटेड एसिड, बिकॉज इफ वाटर इज एडेड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तुम लोग का बुक में देखना लिखा हुआ है, पेज नंबर तुम लोग का बता देते, पेज नंबर
है, पेज नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है, पेज नंबर 30 में देखना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो एसिड तुम मिक्स कर रहे हो वाटर में ना, ये एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप तुमको देना होगा, मतलब स्लोली ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक झटके में तुम डाल दिए, क्योंकि ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही हीट जनरेट होता है। तो अगर ऐसा एकदम जल्दी जल्दी डाल दोगे ना, तो हो सकता है कि हीट जनरेशन के वजह से कुछ वाटर तुम्हारा आंखों में आ सकता है, क्योंकि स्प्लैश हो सकता है ना, तो इसलिए स्लोली ऐड करना है, ठीक है। और कंटिन्यूअस इसको जब तुम ऐड करोगे, उसको ठीक से उसको स्टर करना है, मतलब उसको हिलाना है सॉल्यूशन को, कोई भी चम्मच से या कुछ भी से उसको हिलाना होगा। अगर तुम पूरा एसिड एक साथ डाल दोगे पानी में, तो हो सकता है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, तो कुछ वाटर तुम्हारा आंखों में आ सकता है, ठीक है। और एक बात क्या दिया प्रिकॉशन में, कि कभी भी वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में ऐड नहीं करना है। कंसनट्रेटेड एसिड, देखो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे और कंसनट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, हम डिस्कस किए थे। कंसनट्रेटेड एसिड मतलब क्या, जो एसिड में पानी वाला मिलावट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, इसमें सिर्फ एसिड ही है, कोई पानी का मिलावट नहीं है। और डाइल्यूट मतलब क्या है, इसमें पानी मिलावट है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड में पानी मिलावट रहता है मतलब क्या, इसका जो एसिड का स्ट्रेंथ है ये घट गया, क्योंकि पानी मिलाए मिलाए हो तुम, रॉ एसिड तो नहीं है, कूड़ा एसिड तो नहीं है। और कंसनट्रेटेड एसिड में क्या, एसिड का जो पावर है वो पावर बहुत ही स्ट्रांग रहता है, किसमें, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। तो इस कंसनट्रेटेड एसिड के अगर तुम पानी डालोगे तो मतलब क्या, डिसोल्व हो रहा है, तो इसीलिए क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और तुम्हारा आंखों में पानी आ सकता है। और पानी में तो एसिड मिला दिए तुम, तो एसिड भी उसके साथ साथ पानी में आ जाएगा, मतलब आंखों में आ जाएगा, तो आंख का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं करो, हो गया। अच्छा तो ये हम लोग पढ़ लिए। अच्छा उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिकेटर्स, तुम लोग का नेक्स्ट जो है इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर्स मतलब क्या, इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेट करना, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर कुछ इंडिकेट कर रहा है कुछ भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इसका अगर नॉर्मल हम लोग मीनिंग निकालेंगे तो यही होता है, लेकिन एक्चुअली इंडिकेटर्स का काम क्या है केमिस्ट्री में, देखो इंडिकेट करना मतलब ये कलर चेंज को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे कलर चेंज को इंडिकेट कर सकता है, ऑर्डर चेंज को इंडिकेट कर सकता है। कुछ भी सब्सटेंस अगर कुछ कलर या फिर ऑर्डर चेंज को इंडिकेट करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे, ठीक है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है। उसका काम क्या है, अगर कोई तुम रिएक्शन कर रहे हो, एसिड वाला रिएक्शन कर रहे हो या बेस वाला रिएक्शन कर रहे हो, तो उसमें अगर कोई चेंज दिखेगा उसको, मतलब कलर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, स्मेल चेंज हो सकता है, तो वो इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा उसको कि हाँ यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे, ठीक है। ये डिफाइन क्या करता है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स डिफाइन करता है कि सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कलर चेंज होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सब्सटेंस है जो कलर चेंज को और ऑर्डर चेंज को हम लोगों को दिखाएगा, अगर तुम कोई भी एसिड रिएक्शन कर रहे हो या बेस रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है। वो कन्फर्म करेगा इंडिकेटर्स कि उस सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, ठीक है। अच्छा अब इंडिकेटर्स देखो, इंडिकेटर का हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, इंडिकेटर्स बहुत तरीके का होता है, ठीक है। किस तरीके का हो, देखो पहला बात तो अगर इंडिकेटर को तुम क्लासिफाई करोगे तो पहला आएगा नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, समझ में आया। अच्छा उसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलो ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले कौन सा इंडिकेटर क्या है। लास्ट वाला है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कशन आगे लेके जाते हैं। देखो नेचुरल इंडिकेटर मतलब क्या, ये नेचर में मिलता है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब क्या, ये नेचर में मुझे मिलेगा, ये सब्सटेंस हम लोग को नेचर में मिलेगा, मतलब क्या प्लांट से मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। तुम लोग का बुक में देखना लिखा हुआ है कि इंडिकेटर्स अगर नेचर में तुम्हें मिलता है, नेचर से मिलता है, मतलब प्लांट से अगर मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे, ठीक है। देखना बुक में दिया हुआ है, द इंडिकेटर्स और दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर इन द प्लांट्स, दैट इज लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचेन प्लांट बिलोंगिंग टू द डिविशन थैलोफाया, लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो वो जो लिटमस सॉल्यूशन है ना दिया हुआ, ये लिटमस सॉल्यूशन तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर है। इस लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या है, पर्पल कलर है। कहाँ से मिलता है, ये एक डाई डाई होता है, मतलब एक लिक्विड है जो हम लोग, जो कहाँ से मिलता है, लिचेन प्लांट से मिलता है,
ठीक है। और लीचेन प्लांट किसका ग्रुप में आता है, थैलोफायक ग्रुप में आता है। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। इसका कलर क्या है, कलर है पर्पल। तुम लोग का बुक में देखा ना, कुछ चार्ट करके दिया हुआ है इंडिकेटर, देखो लिटमस दिया हुआ है, उसके बाद टर्मेरिक जूस दिया हुआ है, ठीक है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोगिया प्लांट दिया हुआ है, और उसका दिया हुआ है कि एसिडिक अगर मीडियम है तो कलर क्या होगा, और बेसिक अगर मीडियम है मतलब एल्कलाइन अगर मीडियम है तो कलर क्या होगा, देखना दिया हुआ है। जैसे पहला वाला दिया हुआ है लिटमस, अगर एसिड मीडियम है तो लिटमस का कलर क्या होगा, रेड होगा, और अगर बेस मीडियम है तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ोगे। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, रेड कैबेज जूस, ठीक है, ये लीव से निकला हुआ है, ये भी अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो इसका कलर रेड होगा, मतलब ये इंडिकेटर रेड कलर हो जाएगा अगर एसिड है तो सॉल्यूशन में, और अगर एल्कलाइन हो जाएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये सब पढ़ोगे बुक में, देखना दिया हुआ है, बहुत सारा नेचुरल इंडिकेटर दिया हुआ है। उसका एसिडिक अगर मीडियम है मतलब सॉल्यूशन अगर एसिड है क्या कलर शो करेगा, सॉल्यूशन अगर एल्कलाइन मतलब बेसिक है तो क्या कलर शो करेगा, ये पढ़ना होगा। अच्छा, तो नेचुरल इंडिकेटर के बाद हम लोग आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब क्या, यह लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है, मतलब लेबोरेटरी में अलग से इसको प्रिपेयर किया गया है, ये नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है, मतलब इसको अलग से लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है इंडस्ट्री पर्पज के लिए, ठीक है, उसको बोला जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। समझ में आया। अच्छा, जैसे कि मिथाइल, देखो बुक में दिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज है, फेनोप्थेलिन है, मिथिलिन ब्लू है, मिथिलिन मिथाइल रेड है, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है। हमेशा याद रखना, नेचुरल इंडिकेटर का यूजेस कम है, ठीक है, वहीं सिंथेटिक इंडिकेटर में यूज़ ज़्यादा है, क्योंकि सिंथेटिक इंडिकेटर को हम लोग बनाए हैं, हम लोगों का यूज़ के हिसाब से, हम लोग का मतलब एडवांटेज के हिसाब से हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर को प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो यूजेस ज़्यादा सिंथेटिक इंडिकेटर का ही है, नेचुरल का भी है लेकिन कम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या बोले, जैसे कि दिया हुआ है बुक में देखना, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद फेनोप्थेलिन, ये फेनोप्थेलिन का स्पेलिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, फेनोप PHENOLP फेनोप्थेलिन LEIN फेनोप्थेलिन, ठीक है। उसके बाद मिथिलिन ब्लू, ठीक है उसके बाद मिथाइल रेड, ये चारों एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर का। ये सभी क्या, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है, इंडस्ट्री का प्रिपरेशन के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। बुक में देखना तुम लोग का ये सब दिया हुआ है, ठीक है, उसका एसिडिक मीडियम में कलर क्या होगा, बेसिक मीडियम में कलर क्या होगा, अगर न्यूट्रल मीडियम है मतलब न्यूट्रल मीडियम मतलब क्या, एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, तब कलर क्या होगा। तो तीनों चीज याद रखना है, एसिडिक मीडियम में कलर क्या होगा, बेसिक मीडियम में कलर क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में कलर क्या होगा। जैसे कि हम तुमको ये वाला डिस्कस कर देते हैं फेनोप्थेलिन का, ठीक है, अगर फेनोप्थेलिन इंडिकेटर है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है मतलब सॉल्यूशन में अगर एसिड है तो ये कुछ भी कलर नहीं दिखाएगा, कलरलेस हो जाएगा अगर एसिड है तो, मतलब अगर तुम ये इंडिकेटर डालोगे कोई भी सॉल्यूशन में और ये इंडिकेटर कलरलेस रहेगा, तुमको मालूम चल जाएगा क्या, वो वाला सॉल्यूशन एसिड है। समझ में आ रहा है, ऐसे करके। अच्छा, अगर सॉल्यूशन बेस है तो क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन में बेस है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, मतलब फेनोप्थेलिन का कलर पिंक हो जाएगा। अच्छा, और अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, कलरलेस रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब फेनोप्थेलिन इंडिकेटर अगर तुम यूज करोगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहेगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस रहेगा, और अगर सॉल्यूशन बेस है उसमें बेसिक सॉल्यूशन है तो वो पिंक हो जाएगा। इस तरीके से देखना, तुम लोग का बुक में और भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब क्या, जो ऑर्डर चेंज दिखाएगा, मतलब ये कलर चेंज नहीं होगा इस इंडिकेटर में, कलर चेंज नहीं होगा, इसमें क्या चेंज होगा, ऑर्डर, मतलब क्या, स्मेल चेंज होगा, एसिड में अलग स्मेल और बेस में अलग स्मेल। ये दो क्या था, ये दो सिर्फ कलर चेंज को दिखाता था, ऑर्डर वाला चेंज नहीं, और ये जो इंडिकेटर है ये कलर चेंज नहीं शो करेगा, ये ऑर्डर चेंज होगा, मतलब जो स्मेल वो चेंज होगा। एसिड में, एसिड सॉल्यूशन में एक स्मेल तुम्हें मिलेगा, बेस अगर सॉल्यूशन में अगर बेस है तो एक अलग स्मेल मिलेगा, तो उसको बोला जाता है क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। समझ में आ रहा है, जैसे कि बुक में देखना दिया हुआ है, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड ऑनियन कैन बी यूज्ड एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब एग्जांपल क्या होगा इसका, वेनिला एक्सट्रैक्ट एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और ऑनियन प्याज, ठीक है, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ठीक है। इसका स्मेल क्या होगा, दोनों इंडिकेटर का जो स्मेल है वो एसिड में क्या होगा,
तुम्हारा देखो लिखा हुआ है, द स्मेल ऑफ दीज टू इंडिकेटर्स कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ऑनली बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मतलब क्या, सॉल्यूशन अगर एसिड है, सॉल्यूशन में अगर एसिड है तो इन दोनों इंडिकेटर का तुम्हें स्मेल मिलेगा, मतलब कुछ भी स्मेल हो वो मिलेगा, चाहे वो तीखा हो, मीठा हो, कुछ भी हो, लेकिन स्मेल मिलेगा अगर सॉल्यूशन में एसिड है तो। और अगर सॉल्यूशन में अगर बेस है तो इन दोनों का स्मेल तुम्हें मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चेंज, ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। ये क्या शो करेगा कि एक एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है, एक एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है तुम इस इंडिकेटर से जज कर पाओगे। मतलब ये इंडिकेटर क्या है, ये जज करता है, जजमेंट करेगा कि एक एसिड और बेस जो तुम लिए हो वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, और क्या जज करेगा कि कौन कौन इंडिकेटर इंडिकेटर तुम उसमें डाले हो। मतलब क्या, मान लो तुम एक सॉल्यूशन लिए जिसमें एसिड है या फिर बेस है, ठीक है, तो वो एसिड और बेस जो तुम सॉल्यूशन में लिए हो वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो जज करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अच्छा, और एक तो सॉल्यूशन लिए जिसमें सिर्फ तुम इंडिकेटर मिक्स किए हो, कुछ भी एसिड और बेस मिक्स नहीं किए, सिर्फ इंडिकेटर, कुछ कुछ इंडिकेटर लेके एक सॉल्यूशन बना दिए, तो कौन सा इंडिकेटर है वो भी डिफाइन करेगा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझ में आ रहा है बात? देखना बुक में लिखा हुआ है, टू जज हाउ स्ट्रांग अ गिवन एसिड और बेस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। समझ में आ रहा है? मतलब एक एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, बेस कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, वो तुम जज कर सकते हो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के मतलब साथ। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बना होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को बहुत सारे इंडिकेटर को एक साथ मिक्सअप करके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर तुम प्रिपेयर करोगे। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर किससे बना है? यूनिवर्सल इंडिकेटर बना है बहुत सारा इंडिकेटर मिक्स करके, मिलावट करके। मतलब ये क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, अच्छा, इट शोज डिफरेंट कलर एट अ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हो गया इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है। हेडिंग लगा दो, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, बेस या एसिड इसका स्ट्रेंथ। मतलब क्या है, स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ेंगे। अब स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि स्ट्रांगनेस और वीकनेस, एक एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है कि कितना वीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि उसमें कितना नंबर H प्लस आयन है या कितना नंबर OH प्लस OH माइनस आयन है। मतलब क्या, अगर एसिड है तो उसमें H प्लस आयन रहेगा, ठीक है, और अगर बेस है मतलब उसमें OH माइनस आयन रहेगा। अब ये जो स्ट्रेंथ है ना एसिड और बेस का, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन के ऊपर। ठीक है, अगर एसिड का हम लोग बात करेंगे तो एसिड में अगर उस एसिड में जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। मतलब मोर द नंबर ऑफ H प्लस आयन्स मोर विल बी द स्ट्रेंथ एसिड के लिए। ठीक है, बेस के लिए क्या होगा, मोर द नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स मोर विल बी द स्ट्रेंथ। जितना OH माइनस आयन ज़्यादा होगा बेस में उतना उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जितना OH माइनस आयन कम होगा उसका बेस का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। एसिड के लिए भी सेम। समझ में आ रहा है? अच्छा, देखना बुक में तुम लोग का सारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम लोग पढ़े ये स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, इसके ऊपर डिपेंड करके एक स्केल आता है जिसको बोला जाता है पीएच स्केल। क्या बोला जाता है, पीएच स्केल। ये स्केल क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक स्केल की तरह होता है, जैसे हम लोग रूलर यूज किए ना वैसे ही नॉर्मल एक स्केल है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है। ये नॉर्मल एक स्केल की तरह आता है, ठीक है, जीरो से लेकर एकदम 14 तक डिवीजन रहता है। ठीक है, अच्छा, एकदम जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 14 तक रहता है, 10, 11, 12, 13, 14, एकदम जीरो से लेकर 14 तक ये रेंज रहता है। ठीक है, इसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, ये स्केल मेजर क्या करता है, ये स्केल मेजर करता है कि हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन कितना है, इसको डिफाइन करता है, इसको मतलब मेजर करता है। ठीक है, ये जो पीएच में जो पी है ना, ये पी है, इसका नाम क्या है बोलो तो, ये पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस,
पोटेंस, देखना बुक में लिखा हुआ है, विच मीन्स पावर, मतलब पी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ये कहाँ से, कौन सा वाला वर्ड से आया, पोटेंस वर्ड से आया है, पी ओ टी ई एन एस, पोटेंस, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका मीनिंग है पावर, मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, क्योंकि एच मतलब तो हाइड्रोजन आयन है, मतलब क्या, पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। अब एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन को हम लोग जिस स्केल से नापेंगे कि कितना पावर है एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन में, जिस स्केल से नापेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच स्केल, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज 0 से लेकर 14 तक, मतलब पीएच स्केल का रेंज है 0 से लेकर 14 तक, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो 7 वाला पॉइंट देख रहे हो ना, ये 7 न्यूट्रल है, ये 7 वाला पॉइंट न्यूट्रल है, मतलब अगर मान लो पीएच तुम्हें स्केल से तुम देखे कि एक सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन का तुम पीएच जानना चाहते हो, तो सॉल्यूशन का पीएच तुम्हें इस स्केल से पता चला कि सॉल्यूशन का पीएच 7 है, मतलब तुम क्या बोलोगे, ये न्यूट्रल है। 7 अगर शो करेगा स्केल में रीडिंग कोई भी सॉल्यूशन, तो उसका पीएच हमेशा न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब 7 है। 7 से जितना नीचे होगा ये एसिडिक होगा, 7 से जितना आगे जाएगा ऊपर जाएगा वो बेसिक होगा, समझ में आ रहा है बात। लेस देन 7, 7 से छोटा अगर है तो उस सॉल्यूशन का पीएच एसिडिक होगा, ठीक है, और अगर 7 से ऊपर चला जाएगा तो उस सॉल्यूशन का पीएच मतलब वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है, मतलब लेस देन 7 एसिडिक, ग्रेटर देन 7 बेसिक, और 7 से इक्वल है तो वो न्यूट्रल, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर पीएच 0 होगा, मान लो कोई भी सॉल्यूशन का पीएच 0 दिखाया है, मतलब क्या, वो वेरी एसिडिक होगा, बहुत एसिडिक है, क्योंकि 0 से नीचे तो नहीं हो सकता ना, 0 लास्ट है, मतलब वो बहुत एसिडिक है। और अगर मान लो कि पीएच 14 शो किया, मतलब क्या, वो वेरी अल्कलाइन है, बहुत बेसिक है, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर कुछ कुछ एग्जांपल तुम लोग का बुक में दिया हुआ है, देता है कि प्योर वाटर का पीएच क्या है, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर मतलब क्या, या ब्लड, ये पढ़ोगे ये इंपॉर्टेंट है, प्योर वाटर और ब्लड मतलब खून, इसका पीएच है 7.4, मतलब क्या, 7 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, 7.4 मतलब क्या, 7 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखना बुक में दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है 10, मतलब क्या, ये बेसिक है, क्योंकि 7 से ऊपर हो गया तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच, तो 7 से ऊपर मतलब ये बेसिक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कहाँ रहता है, हम लोग का लीवर, लीवर में गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, इसका पीएच कितना है, इसका पीएच है 1.2, देखना दिया हुआ है, मतलब क्या, बहुत एसिडिक है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ कॉमन सब्सटेंस का हम लोग पीएच डिस्कशन किए, तो ये होता है पीएच, इसका काम हम बता दिए, ठीक है, और पीएच कैसा है ये भी बोल दिए। अच्छा, उसके बाद तुम लोग का बुक में देखना इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, ये पीएच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हम लोग का डेली टू डेली लाइफ में ये जो पीएच हम पढ़े, ये पीएच का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। देखो, पहली बात तो अगर पॉइंट के हिसाब से हम लोग डिस्कस करें, तो देखो प्लांट और एनिमल के ऊपर पीएच का इफेक्ट है, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, मतलब क्या, हम लोग प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमन भी कुछ कुछ मतलब क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट और एनिमल ही पीएच में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ पीएच मतलब नैरो पीएच रेंज सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। देखना बुक में लिखा हुआ है, पहली लाइन में देखो लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, मतलब हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो पीएच 7 से लेकर 7.8 तक इस रेंज में अच्छी तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, मतलब एसिड रेन किसको बोलेंगे, अगर जो बारिश हो रहा है ना, उस बारिश का जो मतलब पानी जो है, उस पानी का पीएच अगर 5.6, पानी का जो पीएच वो 5.6 से नीचे आ गया, लेस देन अगर 5.6 हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन, समझ में आ रहा है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर एंड मेक्स सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट, अब ये अगर बारिश हो रहा है मान लो, तो वो एसिड रेन है, पीएच उसका 5.6 से कम है, तो वो जो एसिड रेन फ्लो करके अगर रिवर में मिक्स हो गया पानी,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिवर का जो पानी है उसका भी पीएच को घटा देगा। उसका अगर पीएच को घटा देगा तो रिवर में जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जो फिशेज वगैरह सब कुछ है, वो भी मर जाएगा क्योंकि पीएच तो घट गया, ठीक है ना। नॉर्मली पीएच का रेंज क्या होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, 7 से 7.8 तक होना चाहिए। लेकिन रिवर वाटर में अगर मतलब बारिश का वाटर में, रेन वाटर में अगर पीएच 5.6 हो गया, जिसको एसिड रेन बोलते हैं, अगर वो हो गया तो वो रिवर का वाटर के साथ मिक्स होकर क्या, वो जो 7 से 7.8 जो रेंज था पीएच, वो उसको घटा देगा। मतलब क्या, एक्वाटिक एनिमल को जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए, मर जाएगा सब कुछ। तो इसीलिए पीएच हम लोग का जो एनिमल्स और प्लांट का जो पीएच है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। अच्छा, दो नंबर में देखो दिया हुआ है पीएच ऑफ द सॉयल, मिट्टी के ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट है, पीएच ऑफ द सॉयल, मिट्टी के ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट है। देखो पीएच का इफेक्ट मिट्टी के ऊपर बहुत है, क्योंकि अच्छा अगर फसल उगाना है ना, तो मिट्टी का जो पीएच है, ये पीएच एकदम रेंज में आना चाहिए। जितना अच्छा पीएच रेंज में रहेगा मिट्टी का, उतना अच्छा फलन अच्छा होगा, ठीक है। हर एक प्लांट का एक स्पेसिफिक पीएच का जरूरत है उगने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। हर एक प्लांट का अलग अलग पीएच का, एक स्पेसिफिक पीएच का जरूरत है उसको हेल्दी प्लांट होने के लिए। तो इसीलिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है, एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ, देयरफॉर द नेचर ऑफ सॉयल इज नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स पीएच एंड देन अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट। मतलब क्या, क्रॉप उगाने से पहले उस मिट्टी का पीएच पहले टेस्ट किया जाता है कि उस मिट्टी का पीएच कैसा है। उस पीएच के ऊपर डिसाइड होता है कि इसमें, इस मिट्टी में कौन सा वाला क्रॉप हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है। तभी इस तरीके से हम लोग क्रॉप मतलब ग्रो किया जाता है, पहले पीएच का टेस्ट होता है। इट इज ऑल्सो सुइटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप बाई नोइंग द पीएच ऑफ द सॉयल। अब उस सॉयल का तुम पीएच टेस्ट किए, तुम्हें पता चल गया कि इस सॉयल का पीएच कैसा है, ये एसिडिक है या बेसिक है, उस हिसाब से हम लोग क्रॉप उसमें उगाएंगे और फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे कि कौन सा फर्टिलाइजर इस मिट्टी में सुइटेबल है, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद आते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट है। देखो हम लोग का जो डाइजेस्ट होता है, मेनली डाइजेस्ट कहाँ होता है, खाना स्टोमक में होता है। स्टोमक में एक एसिड रहता है, एसिड का नाम क्या है, एचसीएल, ये पता है हम लोगों को। एचसीएल क्या है, एक एसिड है। ये एचसीएल क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखना लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। टू करेक्ट द डिस्टर्ब्ड पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और माइल्ड बेस इज यूज्ड एज अ मेडिसिन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एंटासिड एज इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। देखो अगर हम लोग का जो खाना है, खाना स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, स्टोमक में एचसीएल रहता है, एचसीएल एसिड मतलब सिक्रेशन होता है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एचसीएल बहुत ज़्यादा निकल जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, तब क्या होगा, खाना तो डाइजेस्ट हो जाएगा लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर एचसीएल निकलेगा तो पेट में क्या होगा, इरिटेशन होगा तुम्हारा, ठीक है, इरिटेशन होगा, पेन होगा, मतलब क्या, तुम्हारा ठीक ठाक मतलब तबीयत खराब हो जाएगा इन दैट केस। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर क्या देता है हम लोगों को, एंटासिड दे देता है। इस एंटासिड में क्या रहता है, बेस रहता है, ठीक है। कौन सा बेस रहता है, बेस का नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, 10 होता है, बोला था ना। तो ये बेस एंटासिड मेडिसिन में रहता है, तो ये एंटासिड हम लोग खा लेते हैं पानी के साथ, ठीक है, ये टैबलेट की तरह आता है, ठीक है। तो ये एंटासिड क्या करेगा, डायरेक्ट जाके जहाँ से एचसीएल निकल रहा है, एक्स्ट्रा एचसीएल जो जरूरत से ज़्यादा निकला हुआ है, उसके साथ रिएक्शन कर देगा, रिएक्शन करके एकदम बॉडी को ठीक कर देगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये एसिड बेस का रिएक्शन है, क्योंकि एंटासिड में तो बेस रहता है और पेट से तुम्हारा एचसीएल निकला हुआ है, मतलब क्या, ये एसिड और ये बेस है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन हो जाएगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब क्या, एकदम तुम्हारा बॉडी एकदम ठीक हो जाएगा, इसलिए यह दवाई दिया जाता है, समझ में आ रहा है बात। तो यह भी क्या, पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद देखो पीएच चेंज, तो यह हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंस, ठीक है। अच्छा, लास्ट चार वाले, चार नंबर फोर इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। मतलब हम लोग का जो दांत है, जो टूथ है, उसके ऊपर भी पीएच का इफेक्ट है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। मतलब हम लोग का जो दांत है वो किससे बना है, एनामेल। दांत जो है, ये लोअर क्लास में ही पढ़े हो कि जो हम लोग का दांत है, जो टूथ है, वो किस सब्सटेंस से बना हुआ है, एनामेल सब्सटेंस से बना हुआ है। ये एनामेल क्या है, एनामेल है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये क्या है, हम लोग का बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जाना जाता है, सबसे
हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये एनामिल, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस बिलो 5.5 द डीके ऑफ टूथ एनामिल बिगिंस, मतलब हम लोग का जो मुंह का जो पीएच है, माउथ का जो पीएच है, अगर वो माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला गया, मतलब क्या, बहुत अगर एसिडिक हो गया, तो ये जो एनामिल है ये टूटने लगता है, मतलब दांत टूटने लगता है, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड्स दैट रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, मतलब क्या, अगर ठीक से खाना खा के तो मुंह नहीं साफ किए हो या ठीक से ब्रश नहीं किए, तो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया रह जाता है, जो क्या, कहाँ से आता है, वो फूड पार्टिकल में, ठीक, तुम खाना खा के ठीक से दांत नहीं साफ किए, मतलब मुंह साफ नहीं किए ठीक से, तो खाने का कुछ कुछ हिस्सा दांतों में लगा रहता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो उस बैक्टीरिया के वजह से क्या होता है, वो क्या करेगा, खाने को फिर रिएक्शन करके एक एसिड प्रोड्यूस करेगा जो मुंह के अंदर रह जाएगा खाने के बाद भी, अगर तुम ठीक से मुंह नहीं धोगे तो वो एसिड क्या करेगा, अगर वो एसिड का जो पीएच, वो पीएच अगर 5.5 से नीचे है तो दांत खराब हो जाएगा, क्योंकि एनामिल टूटने लगेगा इन दैट केस, ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, यहाँ से कैसे इसको हम लोग सेफ रखें, कैसे हम लोग दांत अपना ठीक रखें, कि खाने के बाद ठीक से मुंह को धोना चाहिए। टू प्रिवेंट टूथ डीके टूथपेस्ट बेसिक आर यूज व्हिच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, मतलब क्या, टूथ डीके को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को टूथपेस्ट यूज करना होगा, कैसा होगा, टूथपेस्ट जिसमें बेस ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मुंह में तो एसिड है तुम्हारा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, तो वो बेस कहाँ से मिलेगा तुमको, टूथपेस्ट में मिलेगा, मतलब जिस टूथपेस्ट में बेस ज्यादा है वो टूथपेस्ट ही हम लोगों के लिए सुइटेबल है, समझ में आ रहा है बात, अच्छा, तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर लिए, इंडिकेटर पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिकेटर पढ़ लिए, ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ लिए, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए, अच्छा, उसके बाद देखो क्या दिया है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ये पढ़ोगे, ये बुक में देखना दिया हुआ, ये समझ इतना समझने वाला बात नहीं है। उसके बाद देखो दिया है पीएच इन प्लांट, प्लांट में क्या पीएच है, और प्लांट का अगर पीएच हम लोग डिस्कशन करेंगे तो क्या है, पीएच इन प्लांट्स, देखो प्लांट का भी एक अच्छा पीएच होना जरूरी है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है स्ट्रिंजिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट्स मिथानोइक एसिड बाय द स्किन व्हिच कॉजेज बर्निंग पेन, इट इज क्योर्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट व्हिच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल प्लांट, मतलब जो नेटल लीफ है, ठीक है, वो नेटल लीफ में क्या आता है, मिथानोइक एसिड निकलता है, अगर वो मिथानोइक एसिड स्किन में गिर गया तो तुम्हें चुभेगा बहुत, मतलब क्या, पेन होगा, ठीक है, उसको कैसे तुम ठीक करोगे ना, डॉग प्लांट का जो लीफ है, डॉग प्लांट का जो लीफ है उसको लेके वहां पे एकदम रब कर दोगे तो वो जगह तुम्हारा ठीक हो जाएगा, मतलब ये मिथानोइक एसिड क्या है, मिथानोइक एसिड तक एसिड है ना, उसका भी पीएच 7 से नीचे है इसलिए वो एसिड है, तो नेटल प्लांट से, मतलब नेटल लीव से ये मिथानोइक एसिड निकलता है, तो ये मिथानोइक एसिड का स्किन में तुम्हारा गिर गया तो स्किन के अंदर क्या, बहुत रबिंग होगा, मतलब क्या, बहुत चुभेगा तुमको, तो उसको ठीक करने के लिए जो डॉग प्लांट है, डॉग प्लांट से उसको रब करना पड़ेगा, डॉग प्लांट में क्या है, बेस है, तो जब भी तुम डॉग प्लांट को रब करोगे उसके जगह के ऊपर जहाँ पे वो एसिड गिरा है, तो बेस जाके डायरेक्टली क्या, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, करके उस जगह को ठीक कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस कंप्लीट हो गया तुम्हारा, अभी जो आएगा हम लोग सॉल्ट डिस्कशन करेंगे, सॉल्ट का प्रॉपर्टी, सॉल्ट का रिएक्शन, डिफरेंट टाइप का सॉल्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।